जितनी छोटी है, सुन रही है सब, ये जितनी छोटी है उतनी ही मैच्योर भी है। तो जैसे और अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ भूल जाती है तो अचानक से ऐसे दांत ऐसे करती है। इनके बारे में ये अच्छी चीज नहीं लगती क्योंकि ये औरत बोलते हैं। जो इसे अगर गुस्सा आ रहा है तो ऑनेस्टी से गुस्सा आ रहा है, अगर छेड़ रही है तो मतलब वाकई छेड़ रही है, दिखाने के लिए नहीं छेड़ती है। ओके, सो प्रविष्ट एंड ऑरा, ग्लिट्सविजन यूएसए में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट मी टेल यू, आपका शो बहुत अच्छा है, व्यूअर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रविष्ट, हम पहले आपसे जानना चाहते हैं, तो ये विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि एज और मैच्योरिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। ये जितनी छोटी है, इसके सामने मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, पर आप सामने में बिठा के पूछ रहे हैं इसलिए कहना पड़ रहा है। बढ़िया। ये जितनी छोटी है, सुन रही है सब, ये जितनी छोटी है उतनी ही मैच्योर भी है। तो वो बचपना, वो सब बचपने का जो रॉनेस है, जो मजा है, वो है, और उतना ही समझदारी, उतना ही मैच्योरिटी भी है। अच्छा, ओके। क्योंकि ये आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली एक्टिंग में, तो कभी डर लगा कि नहीं? नहीं, एक्टिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब से पैदा हुई तब से एक्टिंग ही कर रही होगी ये, तो एक्सपीरियंस तो इससे ज्यादा एक्टिंग में। हां, बाकी आप बताइए, तो कैसा था कि एक्टिंग का, मतलब कि कितना हेल्प आपको करते जब एक्टिंग की बात आती है, तो कैसा था उनके साथ इनिशियल डेज में काम करना? जब मैं इनसे पहली बार मिली तब मैं डर गई ये कौन है, और ऐसा था कि वो ना सीन ऐसा था कि वो डंडा लेकर मुझे ऐसे मार रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैं डर गई, डरा रहे हैं ये, तो मैं डर गई लिटरली कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे पता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बट मैं डर रही थी। मतलब इतने अच्छे एक्टर है प्रविष्ट, राइट? हाँ, वो अच्छे एक्टर है, बट बहुत डराते हैं वो, सच में भी डराते हैं। जैसे कि मैं कुछ गेम खेल रही इनके साथ, तो ये मुझे बोलते कि मैं पटक दूंगा। मैंने कहा नहीं पटकना है। ज्यादा हेल्प तो ये मुझे करते क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, तो इनको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि बड़े हैं, पता नहीं इनके मन में क्या चलता है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, ये हेल्प करती है मुझे एट टाइम्स, मुझे कंटिन्यूटी का ध्यान दिलाती है कि अरे भैया, आपका हाथ अभी यहाँ पर था, आपने वो चीज़ वहाँ पर रखी थी, तो वो सारी चीज़ों का भली भांति से ख्याल रहता है, एंड शी रिमाइंड्स मी कि ये यहाँ पे ऐसे करना था आपको। राइट। चैलेंजिंग सीन या सबसे बेस्ट सीन बोल लीजिए, चैलेंजिंग सीन जो भी आपको लगे, जो आपके लिए यू नो थोड़ा डिफिकल्ट था शूट करना। मतलब हम साथ में शूट करते हैं, मुझे इसके साथ कुछ चैलेंजिंग लगता ही नहीं, मतलब बड़ा एफर्टलेसली वो सीन फ्लो हो जाता है। तो चैलेंजिंग तो स्क्रीन पे निखर गया तो आप ही बताइए, बट हमें जो सीन जिसे मैं इम्पोर्टेंस देना पसंद करता हूँ, वो है एक सीन वेर आई एम टीचिंग बोंदिता द डिफरेंस, वेर आई एम टीचिंग अ स्मॉल चाइल्ड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टच एंड बैड टच। तो वो सीन मतलब इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी है, मतलब बोंदिता जैसे बच्ची के लिए और बोंदिता के थ्रू सभी बच्चों के लिए समझना कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है और किससे बचना चाहिए। जी, और आप बताइए, आपका बेस्ट सीन कौन सा रहा है, ऐसा कोई सीन जो थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए शूट करना? डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं रहा, बहुत मज़ा आया उसमें डिफ़िकल्ट की जगह, और बेस्ट सीन यही था जब मैं जो इन्होंने गुड टच बैड टच वाला किया, क्योंकि मुझे बछड़ा बहुत पसंद आया, वो उसको फर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, और सीन भी बहुत अच्छा था गुड टच बैड टच का। मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये कि ये बहुत केयरिंग है, हेल्पफुल है, ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं एक्टिंग में कि ऐसे करना है, ऐसे डरना है। इनके बारे में ये अच्छी चीज नहीं लगती क्योंकि ये औरत बोलते हैं आपको। अच्छा, ठीक है, अभी सब आपसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। अच्छी चीज मतलब बहुत क्यूट है और वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो इसे अगर गुस्सा आ रहा है तो ऑनेस्टी से गुस्सा आ रहा है, अगर छेड़ रही है तो मतलब वाकई छेड़ रही है, दिखाने के लिए नहीं छेड़ती है। मतलब ऑफ कैमरा एक्टर भले है पर दिखाने के लिए चिढ़ना या दिखाने के लिए गुस्सा करना नहीं। मैं ये चित्र, ये कोई भी मजाक में कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा। ये मुझे चिढ़ाने के लिए और सदामी दीदी को चिढ़ाने के लिए। तो
मैच्योर टू माई कम्पेयर टू माई एज ऐसा नहीं है, 21 साल के लोग काफी मैच्योर होते हैं जनरली, मतलब वे जो उन पे रिस्पांसिबिलिटीज आई है इन दैट टर्म्स आई एम सेइंग. तो मेरा तो मानना है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस दिस इज नॉट अ स्मॉल एज 20. हम लोग 18 साल में वोट कर रहे हैं, वी आर चूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री. तो 18 के ऊपर एवरीथिंग इज अ वेरी बिग एज एंड इट्स अ वेरी एज वेर यू आर सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसे छोटी एज तो मैं नहीं मानता हूँ, समझदारी आ जानी चाहिए. आप अपनी सरकार चुन रहे हैं तो उसमें तो मतलब छोटा नहीं अनिरुद्ध, और बाकी चैलेंजिंग नहीं, मजा आता है हर रोल पोर्ट्रे करने में, जहाँ गुस्सा है, जहाँ प्यार है, जहाँ केयरिंग है, जहाँ अफेक्शन है और जहाँ लिहाज है बड़ों से. ओके, और आपके आपके रोल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? मेरे रोल का कुछ भी चैलेंजिंग पार्ट नहीं है. मैं जैसी हूँ मैं वैसी बोंदिता है, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं बहुत कूदती फांदती रहती हूँ, सच में ही कूदती फांदती रहती हूँ. आप मेरी चोट भी देख सकते हो. नकल तो जैसे और अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ भूल जाती है तो अचानक से ऐसे दांत ऐसे करती है. ओके, और आपकी बारी प्रविष्ट की. अगर ऐसी कोई चीज है जो कोई उनकी नकल अगर करना चाहती, जिस तरह से वो बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि सदामनी दीदी को ये करोना बोलते हैं और कुछ मजाक मजाक में बोल देते हैं, तो वो चिढ़कर अपने रूम में चली जाती है, गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है, तो ये ऐसे करते हैं. मुझे बहुत फनी लगता है वो. कैसे करता हूँ? अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. बहुत कुछ है बोंदिता के अभी जो जो फिलहाल जो स्टोरी चल रही है, जहाँ पे बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है बोंदिता की, तो उस प्रॉब्लम के कारण उसे सॉल्व करने के रास्ते में और कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस पे हम बात करते हैं. और फिर आगे जाके कैसे इस प्रॉब्लम के थ्रू अनिरुद्ध देखता है कि बाहर समाज में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसका निवारण कैसे किया जाए, जिसमें बोंदिता अनिरुद्ध को अननोइंगली बहुत हेल्प कर देती है और समाज सुधारने में हेल्प होता है. ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स धीरे धीरे आते रहे. मुझे सच में वॉमिटिंग वाली, प्लीज वॉमिटिंग वाली. अच्छा, और अपने फैंस को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कलर्स बैरिस्टर बाबू देखते रहिएगा. कलर्स पे बैरिस्टर बाबू देखेगा ऑन 8:30. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक. हाय, आई एम प्रणाली. हाय, आई एम ऑरा. आई एम प्रविष्ट. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.